तो ऊपर कहाँ जाके पहुँच गई ये देखो, यहाँ बैठी हुई है और चील वहाँ बैठी है, चील और ये कोई अच्छी वाली और ढोलू बोलू साथ हैं इसके, सुल्तान के साथ साथ वो बैठी हुई ऊपर भाई। शाबाश है, हाँ, ठंडा ठंडा पानी से नहाना चाहिए, हाँ, मज़ा नहीं आ रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी मोहम्मद फैसल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत होंगे, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। मैं आपके साथ डेरे में और आपको डेरे में जो है अपने परिंदों को दिखाने के लिए लाया हूँ। गर्मी में बहुत है, मौसम बड़ा ख़राब है, हालत पैर हो चुकी है और हमारी डक्स वगैरह सब खुली हुई, इसलिए हमने खोल दी कि यार ये लोग जो ना बाहर जाते जाए घूमते फिरते ना, भी हमने इसको धोया भी है और आखिर भाई इसको धो के गए और फ्रेश बड़ा साफ़ सुथरा हो रहा है माशाल्लाह से। और अभी मैंने इनको पालक खिलाने के लिए खोला है और हमारी, हाँ भाई क्या हाल है तुम्हारे, मज़े में फर्स्ट क्लास फिट फाट, दांत दिखा रही हो अपने तुम्हें, हाँ भाई सुल्तान, इसको मैंने नहला दिया था, लेकिन अभी ये बैठा होगा ना सेट से तो गंदा ना हो गया कहीं, बहरहाल सेट है लेकिन जगह ये इसके लिए बेहतर है ऑप्शन। खरगोश हमारे डर गया था कि इस गलती से आती भाई ने शायद ना गलती से, हाँ तो मैंने सबको एक साथ बन के देता यार, ये अब बत्तख और खरगोश साथ डर नहीं होते, अब बच्चे छोटे हैं ना वो सारे डर रहे थे, कांप रहे थे, मैंने उसको बाहर निकाला है, अभी इनकी सबकी हालत टाइट हो गई तो ये एक दूसरे के पीछे छुप गए थे सारे, तो मैंने अभी इनको चलो खोल देता हूँ थोड़ी, आ जाओ तुम भी आ जाओ बाहर, आ जाओ आओ आओ जल्दी आओ, आ जाओ चुन्नू मुन्नू सब आ जाओ, आ जाओ। तो गाइस हमारे साथ एक ब्लॉग बनाने में इशू हो गया कि हमने जो इससे पहले पूरा ब्लॉग बनाया वो सेव नहीं हो सका, अब ये भी दोबारा से बनाने के लिए जा रहा हूँ, इसलिए आपको दोबारा रिपीटेशन होगी। मैंने आपको ब्लॉग में इससे पहले बताया कि हमारी यहाँ पे चील आके बैठ गई है जिसकी वजह से हम अपने मुर्गियों को और चूज़ों को नहीं खोल पा रहे, इनको मैंने दाना नहीं दिया था, वेट एंड वॉच कर रहा था कि भाई ये जाए तो हम इसको खोलें, लेकिन चील जाने का नाम ही नहीं दे रही है, इसलिए मैंने फिर जो है चूज़ों को अंदर ही डाल दिया है और जो है अपने मुर्गों को यह खोला हुआ है। और जैसा कि आप देख रहे हैं मुर्गियाँ हमारी यहाँ पर हैं और डक्स भी खुली हुई हैं, या डक्स क्यों ना हमारी अंडे नहीं दे रही हैं, समझ से बाहर अंडे क्यों नहीं दे रही हैं, अभी मुर्गा का जो ना अभी यार वो एक मुर्गा उस तरफ था, एक मुर्गा इधर था, उन्होंने चोचे मारी थी तो उसकी यार लड़ाई हो गई और थोड़ा सा जख्मी हो गया, ये उसका मैंने अभी मुँह भी धुलाया है, अब इसके हरकतें देखें, ये ऊपर से कैरी गिरी है और कैरी उठा के खा रहा है ये, हाँ भाई ओ मुन्ने तुम्हारे खाने के लिए नहीं है ये मुन्नू, देख रहे हैं आप इसकी हरकतें, कैरी खाने में लगा हुआ ये, छोटे छोटे दाँत हैं इसके और कैरी खा रहा है, तो ये कैरी खाना सही थोड़ी है इसके लिए, खा ही नहीं सकता ये, तुम कहाँ घुसी हुई हो, बाहर निकलो ना ये सब मस्ती में मस्त है मेरी भाई भाई को मुझे लग रहा है अभी पानी डालना पड़ेगा, अभी यार मुझे डबल मेहनत करनी पड़ रही है, मैंने ब्लॉग किया मुझे ना मैं दरवाज़ा बंद करता, दरवाज़ा बंद करने के चक्कर में मोबाइल जो है पूरा बंद हो गया और वीडियो सेव नहीं हुई, अब मैं जाने लगा, मैंने एक दफ़ा चेक तो कर लूँगा, अब चेक से तो वीडियो नहीं, अब मैं दोबारा से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ और ये देखें अभी मेरा ये सोनू मोनू आया और मेरी उंगली खोलो, हाँ ये उंगली खाने ही कर रहा है, महाद भी आ गए, उन्होंने घास बोला घास खिला दूँ, घास छोड़ के लाएँ ये और चिंटी को खिला रहे क्योंकि अपने बच्चों को दूध पिलाती है ना यार, लूसन से का पेट ना भरा होगा, ओ भाई सुल्तान भी आ गया, गलत आ गया महाद साहब, खा नहीं रही चिंटी, खा नहीं रही, नीचे डाल दो, मैं कहता खुद खा लेगी, सुल्तान भी मैंने दवा दा बन नहीं किया, या तो भागता आ जा बाहर आ जा सुल्तान, कौन सा दवा दा बन करता, हाँ जा जी लंगे भी फटे शुरू होगा, ए लड़ो नहीं, चलो चलो तुम अंदर जाओ, अंदर जाओ तुम भी अंदर जाओ, अंदर रहो भाई साहब, अंदर रहो, हाँ भाई चिंटी को खिलाना है ज़्यादा, महत चिंटी को खिलाओ था कि जो है वो यार बच्चों को दूध पिलाती ना हमारी चिंटी, इसलिए हमने लाया चिंटी को ज़्यादा पिलाओ भाई, खिलाओ आ जाओ सुल्तान, तुम्हें आ जाओ, तुम्हें खिलाया ना मैंने बाहर से, आ जाओ तुमने सही खा लिया माशाल्लाह, आ जाओ चिंटी को खाने दो, अभी वो बच्चों को दूध पिलाएगी अपने, हमारी चिंटी को खाने दो, ढोलू बोलू बब्बू पीते हैं ना यार, छोटे मोटे मुन्नू छुन्नू मुन्नू इनके लिए हम खिला रहे हैं, और इसको भी माशाल्लाह हमने खिला दिया यार इसके, और भाई साहब
अब जैसे कि आप देख रहे हैं ये मुर्गियाँ बार बार आना जाना कर रही हैं, कभी ऊपर चलाती हैं कभी नीचे आ जाती हैं, और दक्षिण वाली बाहर घूम रही हैं। चील फाइनली वहाँ से भाग गई है, और अभी लेकिन हमने चूज़ों को जो है, चूज़ों को आपने खोला यहाँ बंद करा, सही है ठीक है, चूज़ों को हम हाथ ने यहाँ बंद कर दिया, वही चारा खा रहे हैं। बड़ेली मुर्गी को मैंने अंदर बंद कर दिया, आराम से खाते रहेंगे। बड़ेली मुर्गी की जगह ना अंदर हमने फ़िलहाल फाइनली इसको यहाँ बंद कर दिया। देखें हाँ माशाल्लाह, देखो सर डोकिन की, और ये खरगोश देखेंगे तो बैठे में थके आ रहे हैं। चुन्नू मुन्नू किधर है? चुन्नू मुन्नू कहाँ गए? अबे चुन्नू मुन्नू कहाँ गए? कहाँ गया भाई चुन्नू मुन्नू? कहाँ है? ओ ये छुपा भाई चुन्नू, अरे ये रहा मुन्नू, मैं बोल रहा हूँ यार कहाँ चले गए चुन्नू मुन्नू, नज़र नहीं आ रहे। बिलहाल माशाल्लाह अवेलेबल हैं और सब हैं यहाँ पे माशाल्लाह से, अल्लाह का शुक्र है। ये क्या हुआ, क्यों मार रही है, डर रही है यार? चलो ठीक है, अपनी मामा के पास बैठे हैं, ये अब्बा माँ हैं, ये बच्चा यहाँ है, हम बाहर निकलते हैं भाई साहब। और ओए बड़ा मुश्किल काम है निकलना यहाँ। भाई सुल्तान को मैंने बाहर निकाल दिया, मैं सोच रहा हूँ उसके ऊपर ना थोड़ा सा पानी डाल दूँ ताकि जो है वो पानी गले और ठंडा ठंडा हो जाए, उसके बाद फिर मैं उसको बांध दूँगा। अभी मैंने बाहर निकाला सुल्तान को, और बाल्टी भर जाए, एक बाल्टी डाल दूँगा, अभी बहुत है मेरे ख्याल से ना। और ये हमारे इधर लोटिनो माशाल्लाह से, लोटिनो फिशों को मैंने लूसन भर के डाल दिया है ताकि ये भी पेट भर के लूसन खा लें। वो हमारी मुर्गी देखें ऊपर चढ़ी हुई है पी एम टी के साथ घूम रही हैं, ये मज़ा आ रहा है, इनकी आवारा गर्दी कर रही है भाई, और वो तो ढोलू भोलू तो गुस्से पड़े हैं। और ये हमारे इनका भाई देखूँ पानी है या नहीं है। हाँ भाई पानी है नहीं है तुम्हारा, तो मैं शाम में खोलूँगा, क्योंकि अभी भाई चील साहिबा ऊपर बैठी हुई है, वो बैठी हुई ऊपर, इनको अगर मैंने निकाल दिया ना तो हो जाएगी तुम्हारी दावत, और दावत अगर हो गई तो हमारा हो जाएगा काम ख़राब, क्योंकि तुम हमारे पास अमानत भाई। अभी तुम पानी पियो मज़े से, और जो अंदर फिर पड़ी वो खाना खाओ, और ये लो मज़े करो, मज़े गर्मी हो रही है यकीन प्यासे हो गए तुम लोग, पानी पियो। और इसमें क्या डाला हुआ भाई साहब, बाल्टी हो गई है फुल राठो, थोड़ा सा इनको पानी पिलाऊंगा, अभी पियो पानी, साफ सुथरा पानी पियो, क्योंकि हो सकता है प्यासे हो रहे हो आप लोग। चलो 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 पानी पियो भाई, पानी पियो, गंदा नहीं करना बस पानी। हाँ भाई सुल्तान आ गया हमारा यहाँ पर, ये अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए सुल्तान, अब मैं तुम्हारे ऊपर पानी डालने के लिए जा रहा हूँ। इस भाई शाबाश, हा, ठंडा पानी से नहाना चाहिए, हा, मज़ा नहीं आ रहा। जैसे गर्मी में बना हुआ यार, मैं ना पानी डाल दूँ तो मज़ा ही नहीं आ रहा, भागे जा रहा है। हाँ जी मज़ा आया है सुल्तान भाई, मैंने खुद थोड़ा बहुत ही मिलाया, ज़्यादा नहीं ना, ताकि हाँ झाड़ ला पानी इतना ठीक है भाई। हाँ भाई देखो आ रही हूँ, ऊपर से नीचे आ रही, ये नीचे आई फ्लाइंग करती हुई, और सुल्तान को इतना नहला दिया मैंने कि बहुत है, थोड़ा ठंडा ठार फील हो गया उसको माशाल्लाह से, और जो है इतना बहुत है। और कौन बोलता है, अभी से बताइएगा। चलिए हाँ क्या हुआ, तुम लोग केरी खाने में लगे हो, ये अंदर चूजे तो उनको भी भाई फीड मिल गई अपनी, माशाल्लाह खाने में लगे हुए हैं। हाँ माशाल्लाह डोलो बोलो यहाँ आए। हाँ जी। सो आप लोगों की ईद कैसी गुजरी अपना कमेंट्स में बताइएगा, मेहमान नवाजी की मेहमान आए कैसी गुजरी, और गर्मी कैसी गुजरी, गर्मी भी बहुत टाइट है यार, और टाइम इज़ वेरी शॉर्ट और काम इज़ वेरी लॉन्ग, आपको बताइए। लिहाजा आप जाना होगा क्योंकि ब्लॉगिंग डबल करके बनाइए, आज का मुख्तसर सा ब्लॉग होगा मेरे ख्याल से, मुख्तसर सा ही बहुत है, बहुत से लोगों को लंबा देखने में थोड़ा टाइम वो होता है, तो मैंने चलो छोटा सा ही बना दूँ। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा इस अपनेपन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखेंगे, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में, फ़ी अमान अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।